सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा चेकआउट का टाइम 4:50 लगभग हो रहा है और हम लोग चेकआउट कर चुके हैं। अभी जाएंगे गाड़ी में और फिर सीधे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी बैग ड्रॉप के लिए लाइन में खड़े हैं। हमारा बोर्डिंग पास हमें मिल गया और अभी हमें जाना है गेट नंबर 4 के पास। तो चलिए आगे का जर्नी दिखाता हूँ। हालांकि मैं एंट्री आपको नहीं दिखा पाया, ये जो एरिया है काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट, ये यूनियन टेरिटरीज है और यहाँ पर आर्मी का बेस भी है, इस वजह से यहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। पीछे दिख रहा है वो आर्मी का विमान है और ये जो आगे दिख रहा है ये हम लोगों का। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारा फ्लाइट है 7:30 पे और अभी समय हो रहा है 5:55। तो थोड़ा भी वेट करना पड़ेगा, 25 मिनट पहले गेट क्लोज हो जाती है। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो नीचे वो जो दिख रहा है ग्राउंड फ्लोर, वहाँ से हम लोगों ने एग्जिट किया था और एंट्रेंस इस फ्लोर से है। बीच में एक और फ्लोर है ये वाला। चंडीगढ़ सिटी जो है बहुत खूबसूरत है और एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यूटी होने के वजह से थोड़ा सा स्पेशल जगह है ये। बाकी आर्मी का आपको प्लेन्स जो है वो हमेशा देखने को मिलेगा लगा हुआ और लाइन से लगा हुआ, आर्मी का एक बेस है और बीच में ना बाउंड्री किया हुआ है। पटना में ये वाला चीज नहीं था, यहाँ पर ऊपर से आराम से आओ और इधर अंदर एंटर कर जाओ। सामने से कुछ ऐसा दिखता है। फ्लाइट में इन कर चुके हैं और सीट भी हमारा मिल गया, अब बस रेडी है फ्लाई करने। शुरू में फ्लाइट का माहौल ऐसा होता है ट्रेन के जैसा, बिल्कुल ट्रेन के जैसा, अंदर स्पेस भी बहुत कम होता है। एक नया चीज दिखाता हूँ, ये जो लाइट जल रहा है ना, ये ऐसे क्लिक करोगे तो ये बुझ जाएगा। अभी तो ये ब्लिंक करने लगा, ऐसे ये बुझा हुआ रहता है, जब इसको क्लिक करोगे तो ये जलने लगेगा और जब भी जलेगा तो एयर होस्टेज आपके पास आएगी और पूछेगी कि आपको क्या चाहिए। जैसे कभी आपको पानी का जरूरत पड़ा या आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो इस बटन को दबाओगे तो वो आके आपको हेल्प करेंगे। फ्लाइट के अंदर ऐसा केबिन बना होता है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो और बंद होने के बाद वैसा लगता है। ये देखिए आगे वाला पूरा खुला। अभी फ्लाइट टेक ऑफ किया है, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, सबके फटे पड़े हैं। हम लोग अभी पटना में लैंड कर चुके हैं और मैं आपको प्लेन का हालत दिखाता हूँ।
लोग पैसेंजर ट्रेन की तरह खड़े मतलब निकलने के लिए रेडी है। तो हम लोग अभी बाहर निकल चुके हैं और आपको मैं बाहर का दिखाता हूँ। ये होता है इंजन, इसी से उड़ते हैं फ्लाइट। मोदी जी आए हुए हैं, इस वजह से भारतीय वायुसेना का भी बहुत सारा प्लेन आया हुआ है। उधर हेलीकॉप्टर भी पीछे खड़ा है। ये है जी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय। हमारा लगेज भी आ चुका है और अब हम जाने को रेडी हैं। सिक्योरिटी बहुत टाइट है आज। 10 बजे हमारी ट्रेन है गया की और हम लोग जल्दीबाजी में आए हैं यहाँ पर। अभी 10 मिनट टाइम है, देखते हैं।